रेडियो पत्रिका में आइए सुने अब एक और कार्यक्रम। वायु प्रदूषण। भागो भागो बच्चों, भागो भागो। हाय कोई तो बचाओ बचाओ बेटा, बचाओ मुन्ना। अरे क्या हो गया बेटा, बचाओ। ये नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। किसे बचाए बेटा? हाँ। उन्हें बचाओ मुन्ना, उन्हें बचाओ मुन्ना। कोई तो बचाओ बेटा, बेटा। अरे मुन्ना। माँ माँ आप? हाँ। तो क्या मैं सपना देख रहा था? सपना? अरे मुन्ना, क्या सपना देख रहा था तू, हमें भी बताना। ये तू किसे बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था? माँ, चीख पुकार मैं नहीं मचा रहा था, वो तो वायुमंडल की गैसें थी, बेचारी प्रदूषण से बेहाल। ये तू क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? मुन्ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माँ, कल आपने समझाया था ना कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। हाँ। और सभी की मात्रा भी निश्चित है। हाँ बेटा, बताया तो था, और ये भी बताया था कि कारखानों, वाहनों और अन्य कारणों से इनका संतुलन कुछ बिगड़ रहा है। मैं भी तो यही सपना देख रहा था माँ, दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं थी। अच्छा। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ऐसे में लगा कि वायुमंडल की गैसों ने अलग अलग इंसान का रूप धर लिया है। फिर वो मिलकर एक सभा करने लगी जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें थीं। अच्छा, तो तू ये सपना देख रहा था। अच्छा मुन्ना जी, वो गैसें क्या सभा कर रही थीं? सरा हम दोनों को भी तो बताओ ना। हाँ बेटा। वो सभी परेशान थी, कोई मोटी तो कोई पतली होने से, यानी अपनी अपनी मात्रा घटने या बढ़ने से सभी दुखी थी। हाँ, नाइट्रोजन ने सबसे पहले कहा था, मैं नाइट्रोजन आप सभी गैसों का स्वागत करती हूं। आज हम वायु प्रदूषण से बढ़ रहे खतरे पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभा की अध्यक्षता के लिए मैं ऑक्सीजन बहन को आमंत्रित करती हूँ। बहनों, हमारा जीवन खतरे में है, वायु में प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सोचती हूँ कहीं और चली जाऊं। तुम क्या कहती हो हाइड्रोजन बहन? नहीं ऑक्सीजन, नहीं, तुम कहीं ना जाना। तुम्हारे बिना मेरा यानी हाइड्रोजन का क्या होगा? मेरे और तुम्हारे मिलने से ही तो पृथ्वी पर पानी बनता है। ऑक्सीजन बहन, तुम कहीं चली गई तो पानी कैसे बनेगा, और पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हो सकता है? हाँ, वो तो है हाइड्रोजन बहन, लेकिन इन दिनों शहरों और गाँव में इतने कारखाने, मोटर गाड़ियां बढ़ गई हैं कि उनके धुएं से वायुमंडल में मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है। मेरा तो कहीं जंगल में रहने को मन करता है। हाँ ऑक्सीजन बहन, मैं जानती हूँ। अरे इस बार तो सभा के लिए ही जगह नहीं मिल रही थी, जिधर जाओ उधर धुआं ही धुआं, बदबू, खुटन। पर नाइट्रोजन, वो पिछली सभा की जगह का क्या हुआ? वो तो बड़ी अच्छी जगह थी ना? क्या बताऊं ऑक्सीजन, अब वहां भी लोग खाना बनाने और तारकोल गरम करने के लिए ढेर सारी लकड़ियां जलाने लग गए, जिससे चारों तरफ धुएं के कारण अंधेरा होने लगा है। वहां तो अब बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो गया है बहन। तब तो ये जगह ही ठीक है, कम से कम यहाँ कारखानों और मोटर गाड़ियों का धुआं तो नहीं, फिर भी कुछ प्रदूषण तो है ही यहाँ। मनुष्य जो सिगरेट बीड़ी पीता है
उससे भी तो हवा दूषित होती है। इस हवा में सांस लेने से ही सांस से संबंधित रोग, दमा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे आप ही तो कुछ बोलिए ना कार्बन डाइऑक्साइड बहन। क्या कहूं अध्यक्षा जी, वायुमंडल में मेरी भागीदारी 0.5% से भी कम थी, लेकिन ये मनुष्य इस तरह पेड़ों की कटाई करता ही जा रहा है कि मेरी मात्रा बेहिसाब बढ़ती ही जा रही है। और मेरी मात्रा बढ़ने से पर्यावरण के संतुलन को खतरा पैदा हो गया है। तुमने ठीक कहा कार्बन डाइऑक्साइड बहन, ये पेड़ ही तो हैं जो तुम्हारी बढ़ती मात्रा को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो तुम्हारी मात्रा तो बढ़ेगी ही ना। हाँ, और तो और मेरी बढ़ती मात्रा से धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहन, तुम्हारे साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ रही है, जो मानव जीवन के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ हाइड्रोजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे 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 वो धुआं, शायद धुआं। सभी कैसे बचो बचो भागो भागो चिल्ला रही थी, मेरा सपना टूट गया। अच्छा, तभी तुम सोते में चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। जी माँ। लेकिन पिताजी, हाँ? एक बात तो है, यदि वायु प्रदूषण को रोका नहीं गया तो हमारा जीवन, हाँ हम सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, यही ना? हाँ पिताजी, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? क्यों नहीं बेटा, इसका भी उपाय है। वो क्या? देखो, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा हरियाली होगी, और हरियाली से वायु भी स्वच्छ रहेगी। हाँ, और माँ, खूब पेड़ होंगे तो हमें खूब फल भी मिलेंगे। हाँ बेटा, फल तो मिलेंगे ही, साथ ही मिलेगी साफ हवा भी। अरे भाई, जब पेड़ खूब लगाएंगे साफ हवा हम पाएंगे। हाँ, क्या पाएंगे? साफ हवा हम पाएंगे जब पेड़ खूब लगाएंगे। पेड़ खूब लगाएंगे। वायु प्रदूषण, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख पंकज चतुर्वेदी, कलाकार सुनीति कोहली, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, नीरू अग्रवाल, अलका अमीन, आशीष बख्शी और वंदना रावत। ध्वन्यांकन भूषण गजभिये और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग अब्दुल खालिक तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी।